ओम शांति। आज आपका 136वें दिन का ईश्वरीय वरदान और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा, जैसे कि किसी भी फैमिली ट्री की एक ट्री होती है, एक वृक्ष होता है, उसी तरीके से आज परमात्मा इस दुनिया के वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसको कहा जाता है, पूरे कल्प का वृक्ष, मतलब सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत तक और संगम युग तक का वृक्ष, जिसमें कि सारे धर्म की आत्माएँ, क्या क्या इस दुनिया में होता है, कब कौन से धर्म आते हैं और कब कौन से धर्म परिवर्तन होकर के वापस परम धाम चले जाते हैं, जब हम सब आत्माओं को शरीर छोड़कर के वापस जाना होता है, वो सब चीज़ों के बारे में परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। लेकिन इस कल्प वृक्ष के बारे में अगर जानना है आपको, द ट्री ऑफ लाइफ जिसको कहा जाता है क्रिश्चियनिटी में, तो उस कल्प वृक्ष के बारे में जानने से आपको अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में सब पता चल जाएगा। तो देखें आज परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा याद दिलाते हैं, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख, तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। तो विस्तार में चलें, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, है ना, भक्ति में दिखाते हैं क्या चीज कि तपस्या वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। जो तपस्वी होते हैं वो वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे बैठ जाते हैं और वहां पे तपस्या करी जाती है। वो एक यादगार बन चुकी है, पर ये किस चीज़ की यादगार है उसको समझना जरूरी है। इसका भी रहस्य है। तो जड़ के पास बैठा जाता है, जड़ के नीचे होता है क्या, जड़ कहाँ से निकलती है, बीज से। तो ज्ञान रूपी बीज जो परमपिता परमात्मा हमें, जिसके बारे में बताते हैं, जो कि परमात्मा के मन बुद्धि में सारी दुनिया का जो ज्ञान है उसके बारे में जब परमात्मा हमें बताते हैं, तो हमारा भी इस कल्प वृक्ष के साथ में नाता जुड़ जाता है। हम पहचान जाते हैं कि हम कब इस दुनिया में आए थे, हमारी फैमिली ट्री कौन सी है, सच्ची वाली फैमिली ट्री। देखा जाए तो हम अपने अपने घर बार में पैदा हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये हमारी फैमिली ट्री, हमारे फैमिली ट्री के पूर्वज ये थे। नहीं, परमात्मा कहते हैं तुम तो पिछले जन्म में किसी और ट्री में थे, किसी और घर में थे, तुम्हारी ओरिजिनल कौन सी फैमिली ट्री है उसके बारे में कल्प वृक्ष में सारा आंसर है। फिर बाबा कहते हैं, आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। जड़ सबसे मजबूत होती है, अगर जड़ मजबूत ना हो तो पूरा का पूरा कल्प वृक्ष मजबूत ना हो। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि हम पूर्वज आत्माएं हैं। ट्री का जो, पेड़ का जो जड़ होता है वो सबसे मजबूत होता है ना, कहते हैं कि फाउंडिंग फादर्स कहते हैं ना किसी भी संस्था के फाउंडिंग फादर्स। तो कल्प वृक्ष का जड़ मतलब कि जो इस सृष्टि के फाउंडिंग फादर्स, मतलब कि सबसे पुराने इस धरती पर आई हुई आत्माएं, हमारे पूर्वज। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप पूर्वज आत्मा हो और आप कई जन्म लेते लेते इस अंतिम जन्म में आकर के आप थक चुके हो, तो आपको फिर से उस जड़ में बैठ कर के फिर से अपनी शक्तियां भरनी है, फिर से अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। और शक्तिशाली बनाना कैसे है, इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है, परमपिता परमात्मा स्वयं इस कल्प वृक्ष के बीज है। तो बीज के साथ में नाता होगा, तो बीज से ही तो सब कुछ मिलता है, बीज से ही जड़ बनता है, जड़ के बाद में सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे पेड़ को ऊपर तक सब कुछ मिलता है। तो अगर हम आत्माएं जो कि इस कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ करके परमात्मा, हम पत्ते रूपी आत्मा कहते हैं ना कि परमात्मा की इच्छा से पत्ते हिलते हैं, तो हम आत्माएं ही वो पत्ते हैं जो कि परमात्मा के ज्ञान की इच्छा से हिलते हैं। हिलना मतलब ये नहीं कि इधर से उधर चले जाना, इस कमरे से उस कमरे चले जाना, इस देश से उस देश चले जाना। परमात्मा कहते हैं कि उनके ज्ञान के अनुसार जो उन्होंने हमें सिखाया कि ये कर्म करो तो इसका फल ये होगा, तो वो कहते हैं हिलना, परमात्मा के ज्ञान के अनुसार चलना, उसको कहते हैं हिलना। तो परमात्मा ने बताया कि आप ऐसे कर्म करो ताकि आपका भला हो, तो उसके अनुसार जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं हिलना। लेकिन इंसान ने तो सोच के रखा हुआ है कि हिलना मतलब परमात्मा चाहे तो सारे पेड़ को हिला दे, पत्तों को हिला दे, वो हिलने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो बाबा ने कहा हुआ है कि वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है, है ना। वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आपको पता है ऊपर कौन कौन से पत्ते, कौन कौन से फूल, कौन कौन से फल लगे हुए हैं, वो सब दिख जाता है। तो इसी तरीके से जब हम परमात्मा के साथ में बैठते हैं, परमात्मा के ज्ञान को समझ करके कि इस कल्प वृक्ष मतलब कि कौन से धर्म की आत्माएं कब आएं,
कौन से धर्म स्थापक कब आए, उन धर्म स्थापक अभी उनकी क्या हालत है, उनकी मनोस्थिति कैसी है, वो सब कुछ पहचाना। आपस में धर्म के बीच में लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, धर्म में इतने बंटवारे क्यों हैं, जैसे पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं, टहनियों से भी टहनियाँ निकल जाती हैं, वैसे अगर आप देखें क्रिश्चियनिटी में, अगर आप देखें बुद्धिज़्म में, अगर आप देखें मुस्लिम धर्म में भी, और जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें कितने बंटवारे हुए हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं इतनी टाल टालियाँ, इतनी टहनियाँ निकल चुकी हैं और पत्ते भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हो चुके हैं, तो आप देखो इन सबको, समझो इस रहस्य को, ये हो क्यों रहा है। तो परमात्मा ने वो रहस्य भी बताए हुए हैं कि इतनी टाल टालियाँ क्यों निकल रही हैं। तो उसमें से कुछ पत्ते गिर जाते हैं, मतलब गिरना मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सच्चे वृक्ष में तो ऐसा होता नहीं है कि इधर का पत्ता निकल करके दूसरी टहनी पर चला जाए, लेकिन ये कल्प वृक्ष है, चैतन्य आत्माओं का वृक्ष, जिसमें कोई मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में चला जाता है, कोई क्रिश्चियन धर्म से मुस्लिम धर्म में चला जाता है, तो ये इसके पत्ते इधर से उधर होते रहते हैं। तो उसके रहस्य भी बताए परमात्मा ने, क्यों होता है सब कुछ। तो अगर ये सारे रहस्य समझ आ जाए तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो आप डिटैच होकर के, साक्षी होकर के देख पाओगे क्यों क्या क्यों ऐसे क्यों हुआ, मेरे घर में ऐसे क्यों हुआ, वो इधर क्यों चला गया, उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसने धर्म क्यों परिवर्तन कर दिया। ये क्वेश्चन ही सारे खत्म हो जाएंगे हमारे अंदर, तब जाकर के तो क्या होगा, चिंताएं मुक्त और तपस्या कर पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख, साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज, बैटरी किसकी चार्ज, आत्मा की बैटरी चार्ज। और चार्जर कौन है, सुपर चार्जर है यहाँ पर, है ना। आजकल के मोबाइल फोन के चार्जर्स भी आते हैं, 15 मिनट में चार्ज कर देता है, 1 घंटे में चार्ज कर देता है। तो या तो आप वो छोटे पुराने चार्जर्स की, कौन है वो पुराने चार्जर्स, किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य गुरु के साथ में आप अपने बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करें, या तो फिर आप सुपर चार्जर के पास में आ जाएं, परमपिता परमात्मा जो कि मनुष्य नहीं है, तो उनसे तो सदा काल हमें बैटरी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन किसी गुरु गोसाई के पास में जाएंगे जो कि स्वयं मुक्ति चाहते हैं या मुक्ति के लिए देख रहे हैं, राह देख रहे हैं, वो शरीरधारी हैं, उनको कहेंगे छोटे बैटरी चार्जर्स। तो किसके पास जाना चाहते हैं, बड़ा बैटरी चार्जर कि छोटा बैटरी चार्जर, आप खुद ही समझिएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि अब तुम मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो मेरा ज्ञान लेकर के, तो ये नशा खुशी दिखाए दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। जब हम सेवा करते हैं उसके साथ साथ तपस्या करना, जब हम भूल जाते हैं हम किस फैमिली ट्री के हैं तो इंसान भटक जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम भूल जाते हैं हम कौन सी फैमिली ट्री के, हम क्या थे, किस जन्म में हम कब क्या थे, कौन से धर्म में पैदा हुए, सारे राज जब हमें पता चल जाते हैं, तो हम उस फैमिली ट्री को जब याद रखते हैं तो किसी किसी को नशा भी चढ़ता है ना, दुनियावी फैमिली ट्री का, मैं फलाने घराने का हूँ, मेरे बाप दादा राजा रानी हुआ करते थे, उसको नशा चढ़ता है। तो परमात्मा जब हमारे पुराने जन्मों का हमें याद दिलाते हैं इस कल्प वृक्ष के अनुसार, तो हमें भी नशा चढ़ता है, हम किस दुनिया के थे, किस धर्म के थे, कितने ऊंचे घराने के थे, तो हम इतनी नीच कर्म कैसे कर सकते हैं, इतनी बुरी सोच कैसे कर सकते हैं, इतने नेगेटिव थॉट कैसे रह सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो नशा चढ़ता है और तपस्या ऑटोमेटिक होती है। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, बहुत गहरे रहस्य हैं इस कल्प वृक्ष में, जिसको आप जाकर के ब्रह्म कुमारी इसमें सीख सकते हैं डे 1 से लेकर के, तो वहाँ जाएं, सीखें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।